आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, वो भी हमारे पंजाबी स्टाइल में, और बहुत ही टेस्टी मेरी मिसिस बनाती हैं। तो ये मिसिस सामने खड़े हैं, तो क्या प्रोसेस है वो सभी अभी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने ये पतीला ले लिया है, और ये हमारा एक कटोरी दही है जो हमने फेंट लिया है, और ये खट्टा हो गया है क्योंकि ये 2 दिन का है। ये सारा दही हम इसमें डाल देंगे, और ये एक कटोरी बेसन है ये भी इसमें डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसको बेसन को मिक्स करेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े, जब अच्छे से मिक्स हो जाए थोड़ा पानी और डाल लेंगे। अरे लोग हमें कह के जा रहे थे आप कढ़ी बनाओ कढ़ी बनाओ, तो आज हमने सोचा कि चलो कढ़ी बना ही देते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया दही और बेसन, इसमें हम ये जो प्याज हमने काटी है 2 प्याज ये भी डाल देंगे, और ये हमने सूखा धनिया है जो कूट लिया है थोड़ा सा वो भी डाल देंगे। इसमें ये 1 चम्मच मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच भर के हल्दी, हल्दी आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, इसमें हल्दी ज़्यादा लगती है। 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डालेंगे, नमक हम एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, और 1/2 चम्मच गरम मसाला लेंगे, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कहीं तड़का लगा के बनाते हैं कढ़ी को, पर हम तड़का इसको बाद में देंगे, पहले हम सिंपल ऐसे ही बनाएंगे कढ़ी को। अब इसमें पानी डालेंगे, इसमें भी थोड़ा पानी और जाएगा क्योंकि इसको थोड़ा पकने में भी टाइम लगता है। ये देखिए अच्छे से हो गया हमारा कढ़ी की जो तैयारी है। ये हमने 1 जग पानी डाला है, आप अपनी अकॉर्डिंग डालिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। अब इसको हम गैस पे रख देंगे। गैस पे नहीं रखेंगे, ये हमारा जो इंफ्रारेड जो चूल्हा हम लेकर आए थे, जिसकी वीडियो आपने अभी हमारे चैनल पर चल रही है वो आप देख सकते हैं, और इसका जो प्राइस है जो क्वालिटी है उसके बारे में हमने डिटेल में बताया। तो हम आज इस चूल्हे पर कढ़ी बनाएंगे, तो चलिए इस पे रखते हैं, इसको स्टार्ट करते हाँ, हैं। हाँ रख दो, स्टार्ट करेंगे। अब ये गर्म होने लगा है, इस पे हम ये पतीला रख देंगे, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे ना लगे, और जब ये उबाला आ जाएगा तब इसको हम स्लो पे बनाएंगे जिससे अपने आप कड़ करके अच्छे से बन जाए। ये देखिए कढ़ी गर्म होने लग गई है, इसको मैं साथ के साथ चलाए जा रही हूँ क्योंकि इसको जब नीचे बैठ गई तो फिर कढ़ी सारी ख़राब हो जाएगी। इसको एक उबाला आने पर फिर हम इसको स्लो पे बनाएंगे। तो इसमें कढ़ी में उबाला अब आने वाला है, तो हमने इसमें तकरीबन 1 पोथी से थोड़ी कम लहसुन वो भी कूट कर वो डाल दिया, इससे जो कढ़ी में करारापन आ जाता है। बेसन में अगर लहसुन यूज किया जाए तो उसका जो टेस्ट है और भी निखर के और उभर के आता है। जो हमारी भुजिया वगैरह बनती हैं उनमें भी लहसुन का प्रयोग होता है, इसलिए उसमें करारापन होता है। तो ये देखिए इसमें एक उबाला आ चुका है,
अब कढ़ी को हम गैस के जो ये फ्लेम है इसको कम कर देंगे। और इसको ढक के बनाएंगे। कढ़ी हमारी बन रही है सिम स्लो गैस पे और अब हम बनाएंगे पकोड़े की तैयारी करेंगे। सबसे पहले ये मैंने दो प्याज चॉप कर लिए, आप लंबी भी काट सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। मैंने ये चॉप कर लिया दो प्याज। और इसमें हम ये लहसुन डालेंगे आधा चम्मच कुटा हुआ, और ये 6-7 हरी मिर्चें जो हमने काट ली हैं, थोड़ा सा ये धनिया डालेंगे हम साबुत धनिया, और ये हरा धनिया डालेंगे। आधे चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच से थोड़ा घट। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। ये हम पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं कढ़ी जो पंजाब में बनती है। इसमें 3 से 4 हम बेसन के डालेंगे, 3-4 चम्मच, और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अभी 2 चम्मच बेसन और जाएगा। अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक थोड़ा गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे इसका, इसका अच्छा से गाढ़ा सा पेस्ट बना के रखेंगे, जिससे ये इसको हम कह लो 15 से 20 मिनट इसको रखेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। थोड़ा सा और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा पानी, नहीं तो एकदम से पतला घोल बन जाएगा तो फिर बाद में बेसन डालना पड़ेगा आपको। और ये हमारा बैटर सही है, इसको हम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जितना आप रख सकते हैं रखिए, उसके बाद ये पकोड़े बनाइए। इसको कवर करके हम इसको साइड में रख देते हैं। हमने इसमें थोड़ी सी इमली भी जमा रखी है पानी में रखी हुई है। अगर दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं है तो हम इमली भी डाल के इसको थोड़ी सी खट्टी बना सकते हैं। इसे हमने पानी में भिगो के रख दिया है, अच्छे से इसको फिर मैश करके इमली निकालेंगे। ये देखिए कढ़ी बनते हुए हमारे 1/2 घंटा हो चुका है। देखिए कितनी पानी भी इसका उड़ चुका है जितना उड़ना था। इसको बस अब 10 मिनट और पकाएंगे अभी। जो हमने ये प्याज डाली थी ये भी अच्छे से गल चुकी है इसी में। इसको ऐसे ही हम 10 मिनट के लिए और पकने देंगे, इसको कवर कर देंगे। थोड़ा सा साइड में जगह छोड़ देंगे जिससे कढ़ी बाहर ना निकले। तो ये हमने राइस ले लिए, ये राइस हम 1 गिलास और ये 1.25 गिलास हमने राइस ले लिया है। इसको अच्छे से धो के वॉश करके और इस पर 10 मिनट के लिए ऐसे हम आके रख देंगे। ये देखिए कढ़ी हमारी बन चुकी है पूरी। अब हम बनाएंगे पकोड़े, तो चलिए इसको साइड में करते हैं और रखते हैं कढ़ाई।
कढ़ाई हमने रख दी है, अब इसमें तेल डालेंगे। जब तक तेल गर्म होता है जब तक हम अपना बैटर देखते हैं कैसा रेडी हुआ है। तो ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। तभी मैंने आपसे कहा था थोड़ा गाढ़ा रखना, क्योंकि जब ये रखा जाएगा तो 15-20 मिनट के लिए अपने आप सेट हो जाएगा। ये देखिए अब अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, थोड़ा सा वो इसमें डाल के मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मीठा सोडा ले लिया है हमने, तो थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है ये थोड़ा बैटर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा जो हमने सोडा डाला है बैटर में। ये हमने जो इमली का पेस्ट बना के रखा है वो अब हम कढ़ी में डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे कढ़ी में थोड़ा अच्छा खट्टापन आ जाएगा और टेस्टी भी लगती है इमली की ये जो डाली है हमने। इसको ढक देंगे थे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब बारी है इसमें पकोड़े बनाने की। तो पकोड़े कई हाथ से बनाते हैं कई चम्मच से बनाते हैं, तो मैं तो चम्मच से बनाऊंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के जाएंगे इसमें। गैस का फ्लेम है वो थोड़ा मीडियम उसमें रखेंगे जिससे जो पकौड़े हमारे अंदर तक पक जाएं। जितने आपके आ सकते हैं कढ़ाई में उतने डालिए। तो ये देखिए पकौड़े हमारे बन चुके हैं जो हमने डाले थे। अब इनको निकालते हैं एक प्लेट में। ये देखिए एक प्लेट में निकाल दें। अब इसमें जो हमारा बैटर बच गया है उसके भी पकोड़े बनाएंगे। इसी तरह हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। देखिए अब जो हमारे पकोड़े थे अब वो डालने की बारी आ चुकी है। ये हमने सारे पकोड़े तैयार कर लिए, अब ये सारे इसमें डाल देंगे रखेंगे। और इसको हम देंगे अब एक तड़का, जब तक ये भी इसमें थोड़े से अच्छे से फूल जाएंगे कढ़ी में। हमारा पकोड़ों का था वो हमारा ज़्यादा था तो हमने उसको थोड़ा सा निकाल दिया। और अब इसमें बारी है तड़का देने की। अब तड़के की बारी होगी। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच जीरा, ये दो लाल मिर्च और एक चम्मच अजवाइन। एक अच्छे से पका लेंगे और ये तड़का जब हमारा पूरा रेडी हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे हींग। तो ये हमारा तड़का तैयार है, जीरा अजवाइन और जो हींग है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से डाल देंगे हम और एक प्लेट से कवर कर देंगे। जो हमारे कढ़ाई में तड़का बच गया और इसमें से कढ़ी लेंगे हम और इसके अंदर डालेंगे। और ये भी Thank you.
करिए। आप ऐसे ही कढ़ी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसी बनी है आपको, कैसी लगी ये कपड़ी। तो आपको ये कढ़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये हमारे तरीके की कढ़ी है जो पंजाबी स्टाइल में है और हम घर में हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और हमारे मम्मी पापा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय। तो कढ़ी हमारी बन चुकी थी और अब हम बनाएंगे जीरा राइस। जीरा राइस हमने कुकर रख दिया गैस पर और उसमें डाल दिया 2 चम्मच घी और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से तड़क नहीं देंगे। ये जीरे हो गए, इसमें डालेंगे हम प्याज। हम प्याज भी डालते हैं जीरे के साथ, कोई नहीं डालते। तो हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। हमने 2 प्याज लिए जो लंबी लंबी काट ली है हमने, इसको भी अच्छे से भूनेंगे। प्याज देखिए हमारी अच्छे से भून रही है, अच्छी पिंक इसमें आ गई है। देखिए थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। और जो ये हमने राइस लिए हैं ये हमने भिगो के रखे हुए थे, अब इसका पानी निकाल के इसमें डालेंगे हम। प्याज हमारी हो चुकी है, जो ये हमारी चावल है ये सब डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच गरम मसाला और अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल हमारे भुन चुके हैं, अब इसमें पानी डालेंगे। तो ये हमारे 1.25 गिलास चावल थे, तो 1 का तो 2 गिलास हो गया और इसमें 1/2 गिलास और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साइडों से ये सारे जो चावल लगे हुए सब डाल देंगे। अब इसको ढक्कन लगा के 2 विसल देंगे। 2 विसल के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए हमारे ये जो कढ़ी चावल तैयार हैं, जो चावल है हमारे जीरा चावल हैं। तो आप भी अपने घर में बनाएं, ट्राई करके देखें एक बार इस तरह से बनाकर, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय।